हेलो स्टूडेंट, माही एंड इसिका क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको प्रोनाउन का चार्ट शो किया हुआ है। आपको सेंटेंस बनाते समय कई बार बोला जाता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। ये तीनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस में आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तीनों पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों टाइप्स में यहाँ पर हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में देखिए आई सिंगुलर में दिया हुआ है, वहीं पे प्लूरल में वी दिया हुआ है। उसी प्रकार इनके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं मी एंड अस। उस आगे देखिए पोजेसिव नॉमिनेटिव भी दिए हुए हैं माई और अवर। अब आइए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन पे, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव में भी यू का ही प्रयोग किया जाता है, बट पोजेसिव नॉमिनेटिव केस में आपको योर का प्रयोग करना होता है। आगे देखिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन पे सिंगुलर में आपको ही शी इट दिया हुआ है तथा प्लूरल में आपको दे दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस में इनके हिम हर इट लगते हैं और दे के लिए आप देम का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। पोजेसिव में आप हिज हर इट्स यानी कि अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के, जैसे ही के लिए हिज, शी के लिए हर और इट के लिए इट्स। उसी प्रकार प्लूरल में दे के लिए दियर। अब आपको सब्जेक्ट के बारे में तो पता है, बट आपको इनका ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस समझना है। जैसे मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो तो आपको पता है मैं, बट मिडल में जो आप रेड से शो किया हुआ है उसमें आपको तुम्हें लिखा हुआ है, तो वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम यू ही लिखेंगे। इसी प्रकार पोजेसिव केस का उदाहरण देखिए, हम अपने घर जाते हैं, तो यहाँ पर जो अपने आया है वो पोजेसिव केस है हमारा। बट बहुत से स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं, अपने के लिए या तो माई लिख देते हैं या कुछ और, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हम दिया हुआ है, तो हम के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आवर का यूज़ करेंगे। पर अगर यहाँ पर वह बोलता है कि हम उसके घर जाते हैं, तो वहाँ पर थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम हिज हर में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।